जिस तरह से हेलो गाइस तमन्ना एक ब्लॉग ऐसे नहीं बोल हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तमन्ना ब्लॉग्स। तो आपने मुझे पिक कर लिया है। पिक कर लिया, मोल घुमा दिया, खिला पिला भी दिया, अभी तो निकालना भी तो है। तो अब मतलब क्या है इतना बताओ। आपने पूरी छोले दही छोले और वो खीरे प्याज खाए, मजा आया? खा लिए है। तो वो पचाने कैसे है मैं बताऊंगी ना आपको, पचाने कैसे हैं सिखाऊंगी आपको कैसे पचाते हैं। अच्छा हाँ, कल तो एसी बंद करो था। जी कर दिया सर। हाँ जी बोलिए। एसी से बहुत नफरत है। मुझे तेरे से बहुत नफरत है। अच्छा बताओ जो मैं पूछ रही हूँ आपको सर। हाँ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ अगर मैं गाड़ी तेज चला रही हूँ? नहीं नहीं, गाड़ी तो तुम अभी तो सही चला रहे हो। हाँ जहाँ गलत चलाओगे वहाँ बता दें। अच्छा कनेक्टर साहब, आप मुझे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि गाड़ी इतनी तेज चला रही जिस तरह से घर में बहुत आपने गंद डाला हो, क्या बोल रहे थे आप, जरा रिपीट करेंगे? लो रिपीट ही करके दिखा रहे हैं। हाँ गाड़ी हाँ इतनी तेज हाँ चला रहे हैं, देखो आराम से चलाओ ना, गंद गुंद तो नहीं है घर में? बिल्कुल भी नहीं होगा। तूल च चाल बलते ने, तूल च झाड़ू मारने, तूल च पूछा बस और कुछ नहीं है सर। आपको लगता है आपके लिए मैं इतना गंद डाल के रखूंगी? यार आपसे इतना प्यार करती हूँ मैं, कैसे बच्चों वाली बातें करते हो सर आप? हाँ वो तो मुझे पता है, इतना तो करते हो भाई। करती नहीं तेरे से प्यार? मैं तेरे लिए मुझे आधा घंटा अपना कैब वालों से दिमाग खिलवाना पड़ता है कि आ रहा है। तो आप तुमने कैसे ना कहा कि कह रही, सही बताना पहली बार। लक्ष्मी नारायण मंदिर की। और दूसरी बार? दूसरी बार भी वहीं की कह रही है। दस फेस बहुत है बंदा वो, कर भाई दस पेस हूँ टंकी के पीछे। मैं कह रहा भाई कहाँ चलोगे भैया, कर भाई लोग कैसे नहीं इधर क्या रख के। मैं कहा भाई मंदिर के सामने आ जाए 11 पेस। अच्छा I'm sorry sir, I'm really sorry. I'm Saroli. Saroli? अरे वो लिख का रखा हम सरौली। हम सरौली नहीं सोली, वो तेरे से बोला बोला नहीं गया। अरे वो लिखा तो है फैक्ट्री का नाम। तो मैं कह रहा हूँ आप जिम जाओगे, कहाँ जाओगे? भंगड़ा क्लास? हाँ अभी तो घर पे ब्लॉग एडिट करूंगी, उसके बाद जाऊंगी। अभी अभी है मेरी आधी जान खाने के लिए थोड़ी बहुत। हैं? अभी सफाई भी कराऊंगी आपसे थोड़ी सी। नहीं मैं नहीं। तो गाइस अब हम सीधे ही घर मिलते हैं आपको, नहीं तो ये भाग जाएगा रास्ते से गाड़ी जाके गए बोले। इससे पहले ये बोले कि गाड़ी रोको और मुझे उतरना है, इससे पहले मैं आपको घर ही जाके मिलाती हूँ, उसको अंदर बांध कर। तो मिलते हैं जल्दी, स्टे ट्यून गाइस, बोलो स्टे ट्यून। स्टे ट्यून। ए भाई तुम ये बताओ तुम कितना बनाओ ड्राइवर, कौन सा कनेक्टर ने बनाओ ड्राइवर? तेरे पापा के पास ट्रेनिंग ली थी मैंने ये चलाने की, तेरे पापा ने सिलेक्ट करा है मुझे कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है। मेरे पापा और तुम्हें से तुम्हें सिखाएंगे? फिर किसको सिखाएंगे? क्या मेरे पापा खुद तो सीख ले पहले? नहीं मेरे पापा को आती है। गाड़ी आती है? गाड़ी आती है और बाइक एक्टिव सब कुछ आता है। पर वो घुमाते थे अपने फ्रेंड को। मुझे क्या पता। तू तो बोल रहा था मुझे, तू खुद ही बता के ना, जब तू झूठ बोलता ना तब मुझे बिल्कुल नहीं पता। तुम घर पे छित्र खवाओगे क्या मेरे? अच्छा सॉरी सर, नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ। अपने दो की बात है, आराम से बात करो इधर ब्लॉग में। घर गुरु के बारे में नहीं यार, सही बात नहीं लगता तुम्हें? अच्छा तुम बताओ क्या बोल रहे थे मुझे कि अकेले आओगे तो क्या बोल रहे? हाँ अकेले आओगे तो गुम नहीं हो जाओगे कहीं बात से? क्यों? जैसे आप तुम गड्डी चला रहे हो और इतनी स्पीड लेके जा रहे हो। क्यों तेरे शादी करनी है? तुम्हारी शादी तो रखी हमने, करा शादी कहा सी मरता? तो मैंने भी तो करनी शादी, मेरी कहाँ रखी है, मैं भी तो करूंगी। अच्छा हाँ कि छड़े मर जाऊं? तू तू बोलेगा तो छड़े मर जाऊं? तो धीरे चलाओ ना, शादी करनी है तो इतनी तेज क्यों चला रहे हो? सॉरी सर सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। हां हम स्लो ही चलाएंगे सर। ये लड़के लड़के देखो शादी करने के लिए आई भैया। ठीक है हां अभी कराऊं शादी कि थोड़े दिनों में कराऊं? अभी नहीं करनी। अच्छा अभी क्या करेंगे शादी करके? अच्छा ब्लॉग में जल्दी मिलते हैं, इससे पहले ये भाग जाए, स्टे ट्यून गाइस। सो गाइस आते सार ही राहुल का खर्चा स्टार्ट हो गया है, राहुल गया है शॉप पे,
आते सारे इसका खर्चा स्टार्ट हो गया कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तब फ्लैट में रहूंगा, तो अब गया है सामान लेने, अपना खाने पीने का जो भी खाता पीता है वो लेके आएगा, तो फिर बैठेगा, फिर मैं रेडी होऊंगी फटाफट, तो फिर मैं क्लास जाऊंगी, ब्लॉग एडिट करूंगी। गाइस बहुत दुखी करता है आप, और मेरे को सपोर्ट ही करते हो, ब्लॉग ब्लॉग राहुल करते रहते हैं। आपको पता है इसको इसको रखना बालाजी का भाड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल है इसको रखना, बालाजी का भाड़ा नहीं है। स्टे ट्यून गाइस। आ गया तू? आ गया। आते सारे तेरे खर्चे स्टार्ट हो गए? हो गया सब कुछ। हैं? हो गए तेरे खर्चे स्टार्ट? आते सारी उतर जी सारी गाइस। इसने बोला गाड़ी रोको, मुझे सामान लेना है पहले, खाने पीने का अपना, तब रोऊंगा फ्लड। इतना सेंटो फ्रेश देके ना, पटाए करवे की चीज देके मुझे आया बड़ा। यही तो बात है ना। क्या बात है? दोस्ती में पैसा देखते हो तुम सब। और तू तू तो पैसा देखता नहीं है। पैसे नहीं, अगर भाई नहीं है यार, भाई नहीं है खुद, तो तू कैसे ब्लैकमेल करता है, टॉर्चर करता है? अपना नहीं दिखता जब खुद टॉर्चर करता है, और जब घर वाले बोलते ना इसके कि पैसों के लिए, तब भी नहीं बोलेगा कि चल अभी मैम दो दिन में दे देंगे मम्मी या कुछ ना। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ नहीं, हाँ पैसे का पीर है तू भी, मैं लगाया तेरा साहब। चुप करके, अब मुझे चकाचक सफाई चाहिए। रोकना है तेरी? क्यों रोकना, तेरे लिए खाने को लाऊंगी फिर। अच्छा मैं जा रहा हूँ कहीं। कहीं नहीं जाना, अब तो गाड़ी अनलॉक आती है मेरा, वो देख के नाम जी अनलॉक आती है नहीं करना। तेरे को मैंने तो सिखाई है गाड़ी कैसे चलाते हैं, फिर भी तूने आज तक कभी घुमाया नहीं मुझे गाड़ी चला। आती नहीं चलानी चला। आए? मुझे नहीं आती नहीं। पूरी दुनिया तेरे को ऐसे ही घुमा दी मैंने बिना चलाए, नहीं आती नहीं आती नहीं आती। बोल 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 नहीं नहीं आती बोल बोल आती है। हाँ तो फिर बुढ़िया को उठाकर दिखाओ फिर मान। क्यों उठाऊं, मेरी माँ की उम्र की है। चलो गाइस जब हम फ्लैट पूछते हैं फिर मिलते हैं, जल्दी पहुंच ही गया अब हम, इसको मैं बताऊंगा। स्टे ट्यून। खा लिया? और राहुल कहाँ जा रहा है? उठा लिया तूने बैग? चल सर कुंडी लगा दो। क्यों डर रहे हो, बाहर क्यों खड़े हो? कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ ये भी बंद कर दो। कहा हुआ राहुल सर? कहा हुआ? देखो नहीं है बर्तन सर, ये दो ही ग्लास है, किचन भी साफ है। झाड़ू पोछा वो तो मैंने परसों करा था, कल नहीं करा, और आज मैं तेरे को लेने चली गई। ये मेरा मेकअप का सामान है, कपड़े से जूते भी धोया। कौन से जूते? ये वाइट वाले। तो तू कह रहा था ना मैं धोऊंगा आके। गाइस जरा मैं इसको काम कुम समझा दूं घर पे, फिर मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे। स्टे ट्यून। ये कहाँ से चांद निकला हुआ है आज, बिना बोले राहुल सर झाड़ू। ओ माय गॉड यार, राहुल तूने क्या खाया अभी बाहर? ये तेरे को किसका फोन आया जो तू इतनी अकलमंदी दिखा रहा है राहुल? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे तो रोटी नहीं लगनी आज गले तो है? हाँ क्या होगा भाई? राहुल सर ये आप कैसे चमत्कार कर सकते हो इतना? मस्का किस लिए लग रहा है आप काम बताओ, मस्का किस लिए लग रहा है? ये अपने सॉक्स हटाओ। सॉक्स तो मैं हटा लेती हूँ, पर ये मस्का बर्दाश्त नहीं हो रहा ना सर। जरा बाहर आके देखो, झाड़ू झूड़ू लगाता हूँ, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो क्या रहा है ये? राहुल सर आप प्लीज अभी बता दो, मुझे पता है झाड़ू लगाना महंगा पड़ेगा, आप मुझे काम बता दो, काम क्या है आपको? कुछ नहीं काम है वैसे। तो आज आपका क्या मन करा कि मैं सफाई कर दूं राहुल सर? बर्दाश्त नहीं हो रहा ना मेरे से। ना करूं? नहीं नहीं करो। बट ऐसे कैसे राहुल सर, कुछ तो काम होगा आपको। चलो झाड़ू लगा लो, सफाई कर लो सारी, और कूड़ा वहां पे नहीं रखना जो आप डस्टबिन के पास कूड़ा रख देते हो, सुन रहे हो? वहां पे नहीं रखना, बाहर फेंकना, सीढ़ियों से फिर उठा के फेंक देंगे। कुछ भी गंदी नहीं दिखेगा, आराम से चुप हो जाओ। ठीक है सर, मैं भी देखती हूँ कितनी अच्छी सफाई करते हो आप। गुड बॉय, इतनी अच्छी सफाई करता हूँ। कपड़े ना धोना सारे, मैंने बोल दिया तुझे। क्या? कपड़े मत धोइयो मेरे सारे, कुछ ना कुछ। गाइस ये ऐसे नहीं करता, कुछ गड़बड़ होएगी। डस्टबिन के पास भी सारी ग्रीन टी पड़ी है, उठा दियो।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आके जरा आधे घंटे में पता लग जाएगा, ब्लॉग में जरूर बताऊंगी क्या गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है यार। है भाई, मुझे पता है, ऐसे तो तुम बहुत काम चोलते हो, कोई नहीं पता लग जाएगा जल्दी। गाइस राहुल सर ये पोछे भी लग रहे हैं बिना बोले, ये क्या हो रहा है? आपकी मम्मी ने क्या खिला के भेजा हुआ है आपको, बोलो। आ गया मम्मी का फोन, पापा जी का। अच्छा करो बात। हेलो, पापा का फोन आ गया। ओह माय गॉड, पापा जी देख लूंगा अभी, रुक जाओ मैं तो इतना हूँ। अच्छा जी जी पापा जी, पापा जी ठीक है। पापा जी, पापा जी ये बिना बोले पोछे पूछे सफाइयां ये मुझे रास नहीं आ रही हैं, ये कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ भी पता लग जाएगी, बस आधा घंटा रह गया मेरे जाने का, जरा गड़बड़ भी पूछ लेंगे भाई। क्या भैया तुमको क्या चाहिए, क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? सफाई करे तब भी दिक्कत है, ना करे तब भी दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है राहुल सर। जो आपके दिमाग में चल रहा है मुझे बता दो प्लीज, बिना पूछे के ही, क्योंकि इतने अच्छे आप हो नहीं जितने बन रहे हो। अब तो कुछ नहीं बोलोगे, मुझे पता है। कोई नहीं, जल्दी आपसे कुछ काम नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। कुछ ना कुछ गड़बड़ है गाइस, जल्दी बताएंगे आपको कि गड़बड़ है क्या। ये सर ये अरमान से सोए हुए हो। लाइट बंद कर दो। लाइट बंद कर दूंगी, बाहर से दरवाजा बंद करके। आंते को चकाचक चाहिए काम, साफ सफाई, जो खाना होगा फोन करूंगी बता देना ले आऊंगी। ड्रामे 1% भी नहीं चाहिए, सुन रहा है कि सुन रहा है? 8-9 बजे तक आऊंगी। है 8-9 बजे तक भूखा मर जाऊंगा तब आओगे? ऑनलाइन भेज दूंगी, जोमैटो जिंदाबाद, खिड़की से ले रही हूँ। इतनी टेंशन नहीं है, ज्यादा ड्रामे नहीं मेरे से। कब तक आऊंगी? 5 बजे आऊंगी। तो कुंडी ना लगाओ बाहर से, तू मना लगाओ, चुप करके अंदर रहियो। तेरी मम्मी को बताऊंगी, नहीं तो रोज जो तेरे ड्रामे होते हैं, जनता भी मना करती है इसको, रात को बाहर मत भेजो। कुंडी नहीं लगाना अगर पाए यार। क्यों, मैंने पागल हूँ ना, बाहर खड़े ना मैंने 2-2 घंटे 4-4 घंटे फोन कर देना। नहीं नहीं, अब मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, दरवाजा तो खोलता नहीं है। अपना आराम से सो जा, टेंशन नहीं लेनी बहुत। जब मैं आऊंगी 8-9-10 बजे तब जाइयो। तो फिर कोई बात नहीं, तेरे को कल भेज दूंगी, टेंशन क्यों लेता है, खज कुछ की टेंशन नहीं है, चुपचाप अंदर रह। कुंडी लगा ले फिर आ जा, कुंडी लगा ले फिर जल्दी अंदर से आ जा, कुंडी लगा ले अंदर से आ जा। है ठीक है, बाहर से कुंडी लगा ले। ओके बाय। सो गाइस मुझे ना क्लास लगाते ही लगती है बहुत भूख, तो मैंने अपनी डाइट ले लिया अपने साथ ही, क्योंकि मुझे क्लास खत्म होते ही चक्कर आने लग पड़ते हैं, भूख लगने लग पड़ती है। तो मैं क्लास से आते ही बैठ के घर बाद में आऊँगी, पहले डाइट डूट लूँगी। आज मैं लेट इसलिए आऊँगी क्योंकि कल जो हमने ड्रेस प्रूस ली थी वो भी देनी दूनी है, उस चक्कर में मैं लेट आऊँगी घर। ओके गाइस बाय, आके आपको डांस क्लास के बाद बताऊँगी राहुल क्या कर रहा था, बाय। सो गाइज आज मैं क्लास में अकेली थी, क्लास में कोई भी नहीं था, आज मैं अकेली थी क्लास में। बड़ी मुश्किल से क्लास लगाई मैंने, और अपना सैलड मैंने क्लास में रखा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए मैंने अपना सैलड रखा। मैं मस्त अपना सैलड खाऊंगी, फिर देखूंगी राहुल घर पे क्या कर रहा है, पहले मुझे काम है, एक दो काम कर लूँ देन उसके बाद जाऊंगी। जब मैं अपना सैलड वगैरह खा लूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए मुझे भूख कंट्रोल नहीं होती, डांस बंगले में इतनी जान निकलती है, इस करके मैं पहले अपना सैलड वगैरह लेके रखती हूँ। अब मैं सैलड वगैरह खा लूँ देन उसके बाद जाकर घर पे, मेरे को एक दो काम है वो कंप्लीट करके फिर जाऊंगी। राहुल ने घर पे क्या करा है, क्या नहीं सोया है, कि जगह है, क्या कर रहा है। हम आ चुके हैं और हमारे प्रधान जी खाना खाओ। प्रधान जी कितना सोओगे, रात को पूरी रात जगराता करते हो और पूरे दिन सोते हो प्रधान जी, खाना खाओ। चावल लाई हूँ मैं अपने कुच्चू के लिए। ब्लॉग खत्म कर दे। यार सिनेमा दरबार आएगा बैची। ब्लॉग खत्म कर दे। अच्छा महाय ना बता, ब्लॉग खत्म कर दे। कर देते हैं ना, अब तो तूने खाना ही खाना, बस मैं भी थक गई हूँ, मैं पुराना ब्लॉग एडिट करती हूँ, ठीक है। सो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, ब्लॉग बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बोले कल हम कुछ बनाएंगे इंटरेस्टेड ब्लॉग, ठीक है।
बोलो आप। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू सो मच।